देखो राम राम। कुछ साल जहां पर ये सड़क बनाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये नगुलता से रियार तक बनाई गई थी। इस सड़क की जो लंबाई है ये 11 किलोमीटर ही है और कुल लागत 498.62 लाख। इसके ऊपर 498.62 लाख का काम करवाया जा रहा है और यहाँ पर जो सड़क की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। पिछले साल में जब यहाँ के लोगों से बातचीत हुई हमारी तो उन्होंने ये भी कहा कि इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग भी की गई, पर ब्लैक टॉपिंग करने के बाद वो पूरी तरह से ग्रस्त हो गई, उखड़ गई। पर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई है वो बारिश के कारण वो सारी उखड़ गई और रोड में इतने ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि रोड पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई थी वो बारिश के मौसम में की गई थी, यहाँ के लोगों का कहना है। तो उन लोगों ने जिला प्रशासन से भी मांग की है कि जो नगुलता से रियार तक जो रोड बनाया जा रहा है इसकी पूरी जांच की जाए और यहाँ पर रोड के किनारे में ना कोई नाली निकाली गई है जिससे नाली का पानी जो भी होता है वो सारा रोड में आ जाता है और उस पानी से जो भी ब्लैक टॉपिंग की होती है वो पूरी तरह से उखड़ हो जाती है। और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि यहाँ पर हादसा होने से रोका जा सके। और साथ में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो बोर्ड लगा हुआ है उसकी आप हालत खुद ही देख सकते हो, एक बोर्ड सीधा है और दूसरा लंबा पड़ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा ये सड़क बनाई गई ये नगुलता से रियार तक बनाई गई, मगर यहाँ पर ये खुद ही तस्वीरें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की थी पिछले साल में, यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की गई थी, अभी उसे पूरा साल भी नहीं हुआ है और जो ब्लैक टॉपिंग है वो पूरी उखड़ गई है। क्या यहाँ पर जो मटेरियल लगाया गया क्या वो सही तरीके का मटेरियल यहाँ पर नहीं लगाया गया, या सिर्फ उन्हें यही काम था ठेकेदार को कि फॉर्मेलिटी तौर पर इस रोड को काला करना ही उनका मकसद था। जब भी बारिश होती है तो बारिश में इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी हो जाता है, खड्डों में पानी भर जाता है जिस कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर जो भी गाड़ी चलती है वो भी रिस्क लेकर इस सड़क पर चलती है, कब कहाँ पर कौन सा हादसा हो जाए उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें बनाई जाती हैं क्या इसी तरह की ही सड़कें बनाई जाती हैं कि वहाँ पर एक साल से भी कम समय में यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई वो सारी की सारी उखड़ गई है। सड़क में इतने ज्यादा खड्डे पड़ गए हैं जिससे यहाँ से गाड़ी को निकालना भी काफी मुश्किल होता है, ये आप खुद ही तस्वीरें देख सकते हो। और कुछ ऐसी जगह है यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई है वो भी सही तरीके से नहीं की गई है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी खड़े हैं तो उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर रात के समय में अगर गाड़ी यहाँ से निकालना हो काफ़ी मुश्किलात हो जाता है। कारण एक है कि रोड के एक भाग में इतना ज़्यादा खड्डा पड़ गया है और गलती से भी जहाँ पर गाड़ी फंस जाएगी तो उसका कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, और दूसरी साइड में ये प्रोटेक्शन वाल दी है और लोगों की यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, ज़मीन है, ये आप खुद ही देख सकते हो। पहले इन लोगों से जानकारी लेते हैं यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, क्या इधर पर ब्लैक टॉपिंग की थी इन्हें लोक शुक पाई? लोग तो पाई दी है, लेकिन जनाब देखो जी इन्हें लोक पाई दी है, देखो कंडीशन देखो ना पहले सड़क की, लोग तो पाई दी लेकिन 6 महीने भी लोक नहीं रही है, खड्डे देखो किन्ने किन्ने खड्डे में, एक दिन इतने एक गड्डी फसी किसी की, असें 15 आदमी गड्डी चुकी गड्डी उप
देखो ना अगर गवर्नमेंट पैसे दिया कर रही है तो ठेकेदार के हिसाब से पैसे लगाया कर दे, ठीक है ना सर। लोग तो पेई है पर इसी अगर पास भी तो कुछ अफसर ने किया वो कहीं हुई भी छे महीने भी नहीं कटे पांदे पांदे चैसे खड्डे दिख ले लेकिन दूर मतलब मिली मलाई भगती है सारी ते उस वजह कने पास पास भी होई सब कुछ होई गया छे महीने पुछया कुछ नहीं। क्या जेडी सड़क बनाई नोगलता टू रिहाड़ वाली क्या सही बनाई दी है सड़क? बिल्कुल सही नहीं है। देखो जनाब ए रोड ते बनी पर लोकां दी डिमांड थी लेकिन असें क्या पता इस हिसाब की बनती रोड जां बाकी इलाके च भी इयै हिसाब होया जां कुसे अफसर ने जिस अफसर ने इसी पास किया तो उसने भी तो किसी की जवाब देना कि मैं पास किया उपर भी कोई ना कोई अफसर जरूर होंगे लेकिन कुसै नहीं देखिया तो लोग दवाई कर लाते रहे तो लोग पाने तो पहले जेडे खड्डे थे दोबारा उ खड्डे पांदे पांदे ही दिखले पुछया नहीं कुसै ने कुसै ना कुसै गल की गरीबें की तो कोई सुनाई है नहीं लोगों सुनाना कुछ ही। क्या जिसलै सड़क कड़ी गई तेलू जमीन का मुआवजा दिता इन्हें? जमीन का मुआवजा कोई नहीं दो डिपार्टमेंट ने क्या किया महकमे ने क्या किया कि मुआवजा भी थोड़ा पैसे दिते किश बकाया रखुड़िया कई अज तक नहीं मिले हैं वो फिर दे मरी भी गए पैसे तुपे तुपे मरी भी गए प्रशासन के अगे के मांग करना चाहते तुस? प्रशासन के अगे इयै मांग करना चाहिए रोड की सी सही बनाया जा और नालिया नूलिया जो मतलब ठीक तो लोग आने जाने जी सुविधा ठीक रहो जरा रोड इन्हें दिते ब्रांचा दी ग्रां कोई लोग कोई माजबा भी नहीं दिता खाली छाली रोड कड़े बाकी खड्डे बने थे कच्छा बारा ना डंगे कुछ जगह दिते गए नहीं दिते हैं बाकी लोग जी पाई है लोग पाई इन्हें बरखे च बरखे लोग थोड़ी सैट होंगी है वो डिपार्टमेंट की पता नहीं है कि कदों लोग सैट होंगी है उस बरखे नहीं पाने के वजह करने लोग हूँ खाली बजरी बजरी चला दी है सारे रोड गड्डी चलने पर चलने चाहिए किस तरीके ने जिसल बारिश हो जाती तो कि पानी आई सारा रोड आई पानी रोड से हम पानी कुछ जाना जिन्ना जिनी भी बारिश होती जिन्ना पानी सारा सारा रोड रोड से बगदा बाकी कुछ जमीन खराब होगा जी कुछ घर कोठिया भी पानी लगता ये गल जनाब रोड डिवेलपमेंट होनी चाहिए दोबारा भी उस नाले विच जिसलै पानी आउंदा है तो पानी इन्ना ज्यादा होंदा कि वह मतलब गड्डियां टप्पी नहीं सकदियां ना अग्गे आउंदी गड्डी ना पिछे आउंदी गड्डी इस रोड की इन्नी बड़ी जिहड़ी बुरी कंडीशन है और पिछे तक इयै नहीं कंडीशन इस रोड मतलब इस रोड से जिहड़ा है ना इस रोड की डिवेलपमेंट की जा इस रोड की क्या प्रशासन मौके पर दिखने आया और रोड की कोई इत्थे दिखने नहीं आया महाराज इत्थों लोक पाइए चली गए और दोबारा आए गए नहीं पानी बहुत ज्यादा मतलब स्कूल बच्चे जन्दे पढ़ने ठीक है ना रोज की किन्नी पापुलेशन आर पार होंदी उस बहुत है तुझे पता है किन्नी गड्डियां जांदियां टपड़ियां गड्डियां टपोंदा नहीं है गड्डियां टपड़ियां गड्डी मतलब उसकी कंडीशन ही नहीं है सही जिसलै पानी आउंदा गड्डियां मतलब इधर दी गड्डियां इत्थे रही जांदियां पार दी गड्डियां पार दो दो त्रै त्रै घंटे लोकें बड़ी समस्या इसकी रोड की प्रशासन जिला प्रशासन दे के मांग करना चाहते अस इयै मांग करना चाहिए पुल बनना चाहिए साढ़ा ठीक है नी पुल बनने चाहिए लोगों की समस्या जी दूर होनी चाहिए ठीक है ना एक गवर्नमेंट पैसा दिया कर दिया कोई घरा कोई कोई नहीं लाया करता पैसे की ठीक है ना गवर्नमेंट पैसा दिया कर पिछुआ लेकिन जेडे लाने वाले हैं तो उन्हें बस थोड़े नए लोग उपर चुपड़िया माँ के ना बजरी बुजरी सुट्टी बस रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब ना ठीक सर यह सुनायो कि यह सड़क बनाए का किन्ना चिर हो सर इस रोड का काम 2006 च लग्या अर्थ वर्किंग और 2023 चली आ अजे तक ना रोड कंप्लीट ना ब्लैक टाइपिंग ना ये नाले ना नालिया कुछ नहीं है ठेकेदार आश्वासन देंदे खाली आंदे आखी अज करने कल करने
आइए वापस चली जाते। थोड़ा थोड़ा काम किया, देखो रोड की हालत, खड्डे देखो किन्ने जबरदस्त पेदे, नाले की बुरी हालत है, स्कूल के बच्चे इन्ने खज्जल होंगे, बुरा हाल होंगे बच्चे का, स्कूल जाने होंगे महीने के पंद्रह पंद्रह दस दस दिन टुटी जाते स्कूल वास्तव, और बच्चे उतना वापस घर आई जाते, स्कूल उन्दे इन्ना खराब होंदा और पढ़ाई पर इन्ना असर पाँगा कि जेदा कोई हिसाब नहीं है। जिसल बारिश हो जाती क्या इस रोड उपर चलना ठीक होंदा? बिल्कुल ठीक नहीं होंदा, नाला बिल्कुल क्रॉस नहीं होंदा, लोग अपनी जोखिम करिए नाले के बिच क्रॉस करते हैं और नाले बिच गड्डियां छोड़ दें, गड्डियां भी रुनने का खतरा होंदा बड़ा जबरदस्त। तो यदा ठेकेदार जेडे आखिया जा जेई जे कंसर्निंग अफसर ने उन्हें आखिया जा कि खड्डे पूरे किए जा और ब्लैक टाइपिंग कंप्लीट की जा और रोड डिपार्टमेंट के एंड ओवर किया जा। जिला प्रशासन का अगर की मांग रखना चाहते? साड़ी इयै मांग है कि खड्डे ये पूरे हो जाए और नाले का जरा है वो जल्दी तो जल्दी पुल या पुली जो भी है वह होना चाहिए, कि जिनी भी पहले पाई थी बिल्कुल बेकार है और उसी दोबारा पाई जा और ठीक की जा। देखो रोड के बारे हटियां साड़ियाँ दुकाना जीडिया सारी मिट्टी मिट्टी होती, लोगों का बड़ा बुरा हाल है और लोगों छड़ी मिट्टी है, लोगों के घर मिट्टी बड़ी जी, रोड की वजह करना साड़ा एक मकान है उतना एक डंगा हा सारा वह बाथरूम वगैरह किचन ही सारी वह पानी क्या रुन्नी तैयार हुई थी, दो त्रै बार ठेकेदार की आखिया उन्हें ब्रस्ट बाल नहीं की है। आंदो 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 आंदो